अतीक हत्याकांड पर एक सर्वे सी वोटर सर्वे हुआ था जिसमें 44% लोगों ने माना इससे सीएम की लोकप्रियता बढ़ी है और वहीं 30% लोगों का ये मानना है कि इससे सीएम की लोकप्रियता कम हुई है और वहीं 15% लोगों का ये कहना है कि इसका कोई असर नहीं पड़ा है। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। जी, जो अतीक का हत्याकांड है इससे पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री में देना चाहूंगा। फरवरी में उमेश पाल की हत्या होती है जिसका फुटेज सीसीटीवी में बहुत जोरों शोरों से आता है, पूरी मीडिया में उसे दिखाया जाता है। 50 दिनों तक उसकी इतनी ब्रांडिंग, इतनी रीब्रांडिंग होती रही, हर मीडिया चैनल पे चलता रहा कि जैसे कोई खबर थी नहीं। उसका असर ये पड़ा कि लोगों के मन में एक किसी मूवी को देखने से जैसा असर पड़ता है कि एक जो हीरो होता है उसके लिए अच्छी फीलिंग्स आती हैं, विलेन के लिए अगेंस्ट आती फीलिंग्स। जो ये हत्याकांड हुआ था, उमेश पाल हत्याकांड, इसमें जो फीलिंग्स आई वो अतीक के अगेंस्ट आने लगी। इसीलिए लोगों ने असद के एनकाउंटर को जस्टिफाई कर दिया और इसीलिए अतीक की हत्या पे लोगों को एक तरह से मन में आने लगा कि नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह से ब्रांडिंग हुई, इंसाफ की मांग बढ़ने लगी। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि 50 दिनों तक ये कांड चलता रहा पूरा। फिर अतीक इतना बड़ा ब्रांड बन गया जितना वो पहले कभी था नहीं, जितनी उसने राजनीति की, जितनी उसने माफियागिरी की, लेकिन सबसे बड़ा ब्रांड वो इन दिनों बना। अब ब्रांड बनने के बाद क्या होता है, लोगों में इंसाफ की मांग जगती है। फिर उसी में कुछ, या तो अभी ये तो जांच के बाद आएगा कि ये किसी सरफिरे ने मारा है या इसके पीछे प्लानिंग है या जो भी है, उसके बाद अतीक की हत्या हो जाती है। अतीक की हत्या होने के बाद लोगों के अंदर एक तरह से सुकून आता है, सुकून की फीलिंग आती है कि हाँ, इंसाफ हुआ। लोग ये नहीं देखेंगे कि कानूनी तौर पर ये कितना सही है कितना गलत है, वो कुछ नहीं, लोगों को इंसाफ मिला, ठीक है। पर इस पर आकाश जी, कई पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष पर का अलग अलग जवाब आया है। सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं खुश है, उसके अंदर खुशी की लहर है, लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि कानून की हत्या कर दी गई है, कानून यूपी में नहीं रह गया है, ठीक है, गुंडा राज है। सत्ता पक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है, न्याय मिला। मैं कह रहा हूँ कि जो हुआ सही हुआ, चले ठीक है, उसको सजा मिलनी थी, किसी ने दे दी, वरना कोर्ट देता तो ये कि न्याय प्रणाली पे लोगों का भरोसा बढ़ता। खैर, उसको सजा मिली, वो अपने अंजाम तक पहुंचा, लेकिन कहीं ना कहीं, और इसका असर चुनावों पे भी दिखेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि बीजेपी जोरों शोरों से इसे आगे लेके बढ़ेगी कि हमारी वजह, भले लोग ये नजरअंदाज कर दें कि सजा भाजपा ने नहीं दिलवाई, कुछ सरफिरे आए जिन्होंने मार के चले गए, आप पुलिस उनकी थी, सुरक्षा उनको देनी चाहिए थी, वो कस्टडी में थे, तो सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है। 7-8 पुलिस वालों के बीच से वो मार के ऐसे चले गए तो कहीं ना कहीं सवाल निशान तो उठता है, लेकिन हाँ, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया गया, ठीक है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ चूक है। परवीन फरार है ऐसा माना जा रहा है, गुड्डू मुस्लिम नहीं, ये सब मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये चलती आ रही, लोगों में इंटरेस्ट बना हुआ है तो चलती आ रही कहानियां। ये भी खबर आ रही है कि अतीक के ससुराल से भी कोई डायरी मिली है, ऐसी बहुत खबरें आएंगी। आपने देखा होगा सुशांत के मामले में भी बहुत सी थ्योरीज चली थी, जितनी भी ऐसी क्राइम रिपोर्टिंग होती है उनमें थ्योरीज बहुत चलती है, क्योंकि थ्योरीज बिकती है, व्यूज आते हैं। एक विलन मरा है तो इस विलन के अगेंस्ट कौन था, सीएम योगी थे, तो लोगों के मन में उनके लिए फीलिंग्स तो अच्छी बनी होगी, ऑब्वियस बातें बनी होंगी, और योगी जी को इसका फायदा भी मिलेगा आगामी निकाय चुनाव में। भाजपा, आप अगर सुन रही होंगी, गौर कर रही होंगी, तो जितने भी पार्षद वगैरह जा रहे हैं प्रचार के लिए, उसमें सब या तो राम का नाम चल रहा है या फिर अतीक और मुख्तार को जो स्थिति पहुंचा दी गई वो सब चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और इसका कहीं ना कहीं फायदा उन दलों को मिलता है जो इस तरह की राजनीति करते हैं। बीजेपी ऐसा कर रही है, ऐसी स्थिति पैदा कर रही है कि मौके से मिल रहे हैं और वो कोई भी मौका चूक नहीं रही है, और जब मौका नहीं चूकेगी, हर मौके को भुनाएगी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपने आप को कमजोर, अपने आप को बैकफुट पे महसूस करेगा।